हेलो गाइस, फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे आईएम का कॉल आएगा कि नहीं आएगा? भाई मोर देन 50% ऑफ यू विल बी गेटिंग द आईएम कॉल। यू विल बी शॉक टू सी कि तुम्हें आईएम का कॉल आ गया। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग बट आईएम का कॉल आ गया। तो उसमें एक बार नंबर देख लेते हैं। फॉर आईएम एबीसी का कॉल या फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस यू हैव टू क्रॉस 97%। सो 32-39 23-27 27 ये नंबर आपका पार हो रहा है तो आपको एबीसी का कॉल आने का बहुत बढ़िया चांस है। अगेन डिपेंड ऑन 10-12 के मार्क्स एज वेल। दिस इज फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का। फॉर न्यू आईएम्स, फॉर सॉरी अदर मेन आईएम्स लखनऊ इंदौर कोझीकोड 85% पार होएगा। ये नंबर अगर आपने टच कर लिए तो आपको पक्का कॉल आ रहा है। एंड फॉर बेबी आईएम्स 70% क्रॉस कर लिया तो आराम से कॉल आएगा। सी दिखता था 3 नंबर्स फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, ग्रेंटीड आई एम कॉल, वेरी गुड चांस होगा। गारंटी कर दे सकता हूँ बिकॉज 10-12 के मार्क्स भी डिपेंड करते हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है। फॉर SC ST PWD इफ यू वॉन्ट अ मेन आई एम का कॉल 90% पार होना चाहिए। मतलब 24-30 15-20 15-20 15-20 ये पार हो गया तो आपको एबीसी का कॉल आने का बहुत बढ़िया चांस है। एंड लखनऊ इंदौर कोझीकोड 80% प्लस पे आराम से कॉल आएगा 1672। यहाँ पे आपको अब बाकी मेन आईएम्स शिलोंग त्रिची जो टॉप कॉलेज वो आएंगे। एंड फॉर न्यू आईएम एंड बेबी आईएम्स त्रिची का भी चांस 60% पे पार हो सकता है इफ यू क्रॉस दीज थ्री नंबर 19-14 to 9 9-14 मार्क्स इन वर्बल 4-7 मार्क्स इन डीएलआई 5-8 मार्क्स इन क्वांट यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम द बेबी आईएम्स। ठीक है, तो एबीसी मेन आईएम्स एंड अदर टॉप कॉलेजेस एंड बेबी एंड न्यू आईएम्स दीज आर द कट ऑफ। मैं इसको एक बार आपको डिटेल में समझा देता हूँ ये क्या चीज है। हेलो गाइस, नाउ द फाइनली द स्कोर्स आर आउट, द रिस्पॉन्स शीट आउट। पहले काम आप करो अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके देख लो कि अभी तक नहीं किया गया डाउनलोड, तो उसमें अपना स्कोर कैलकुलेट करके देख लो हाउ मच यूर स्कोरिंग इन वर्बल डीएल लॉजिक एंड क्वांट। तीनों सेक्शन का हमें डिटेल चाहिए। सो वंस यू हैव गॉट दिस थिंग, नंबर टू स्टेप इज लेट्स चेक आउट द कट ऑफ, कितना कट ऑफ जा रहा है। नंबर थ्री, इफ यू वांट टू चैलेंज द क्वेश्चंस, लेट्स प्लीज चैलेंज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 ग्रुप डाल दिए, व्हाट्सएप ग्रुप, slot 1 slot 2 slot 3। सो जो भी आपका स्लॉट को आप बिलोंग करते हो उस स्लॉट में आके अगर आपको चैलेंज करना है लेट्स कम टुगेदर एंड चैलेंज। पेमेंट सारी मैं करूंगा, आपको बस बताने हैं कि कौन से क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना चाहते हो। ठीक है जी, दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया इन केस यू वांट टू चैलेंज। नाउ लेट्स लुक एट द परसेंटाइल कट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। सो फ्रॉम द आईएम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो पहले वो अगर देख लेते हैं 80% विच इज द मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ फॉर वर्बल इज गोइंग टू बी अराउंड 16-22 मार्क्स। तो अगर सपोज किसी के हाउ टू रीड दिस टेबल, अगर किसी का सपोज 18 मार्क्स आया है तो भाई तुम इस रेंज में आ रहे हो 80%। इट कैन बी प्लस माइनस 5% एज वेल, तो आपका 75 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, बट मोटा मोटा 80 के आजू बाजू आएगा वॉट एवर इज योर स्कोर बेस्ड ऑन दिस चार्ट। या 80% 16-22 मार्क्स फॉर वर्बल, डीएल लॉजिक 11-15 मार्क, क्वांट अगेन 11-15 मार्क के आजू बाजू रहेगा। देयर इज अ फर्स्ट बेयर मिनिमम, ये तीनों नंबर क्रॉस करने पड़ेंगे तब जाके यू हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट द आई एम कॉल। नेक्स्ट टारगेट इज 90% विच इज 24-30 मार्क्स, डीएल लॉजिक 15-20 15-20। इसमें कहीं कहीं पर ना ओवरलैप भी हो रहा है। सपोज किसी का 19 मार्क्स आया है तो 19 वाला 90% भी हो सकता है, वो 95 के आजू बाजू भी आपका जा सकता है, एंड यू आर बॉर्डर लाइन फ्रॉम 85 एज वेल, तो 87-88 भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वॉट एवर यू आर स्कोरिंग हेयर प्लस माइनस 5% को लेके चलो कि तुम्हारा ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट टारगेट जो मैं थर्ड टारगेट हमेशा तीन टारगेट बताता हूँ, 97% 32-39 23-27 23-27। तो नाउ यू आइडेंटिफाई योर स्कोर, हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन दिस चार्ट। सपोज आपका मेरा सपोज मैं एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा वर्बल में 25 मार्क्स है, डीएल लॉजिक में 15 है और क्वांट में 15 है। सपोज आई एम स्कोरिंग दिस मार्क्स, लेट मी गिव दैट एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। सो 25 मार्क्स मतलब मेरा इस रेंज में भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए। सो माई परसेंटाइल शुड बी बिटवीन 85-90% फ्रॉम द वर्बल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज योर फाइनल स्कोर। फाइन, अगेन अ डिस्क्लेमर, आई एम इज गोइंग टू गिव अ स्केल्ड स्कोर। ठीक
ठीक है, दे नेवर गिव द रॉ स्कोर. तो स्केल स्कोर एग्जैक्ट कितना आएगा वी नेवर नो, बट दिस इज अ टेंटेटिव नंबर जो आपको पता चल जाएगा. ऑन द बेस ऑफ दैट आई कैन इस्टेब्लिश कि मेरे को आई एम का कॉल आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है, एंड फ्रॉम द डीआर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरा 15 मार्क्स है तो मतलब मेरा 85, अगेन 85 और 90 के बीच में आ सकता है. एंड यहाँ पे भी 15 मार्क्स मेरा 85, 80, 85 और 90 के बीच में कहीं भी आ सकता है मेरा रेंज. सो मैं अज्यूम करके चल सकता हूँ मेरा 85 परसेंटाइल आएगा. इधर मैं अज्यूम करके चल सकता हूँ मेरा 87 आएगा. इधर मैं अज्यूम करके चल सकता हूँ अगेन मेरा 87, 88 आएगा. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच परसेंटाइल. तीनों में 80 के ऊपर है, आई कैन डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड चांस. ओवरऑल कितना बनता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा नाउ, बट आई हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट द आई एम का कॉल. एटलीस्ट न्यू आई एम, बेबी आई एम तो आ ही जाएगा. ठीक है जी. सो फ्रॉम द ओपन कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द मेन आई एम यू नीड 99 परसेंटाइल प्लस. लखनऊ कोझिकोड इधर कोई ना कोई ब्लैकी कॉल आ ही जाएगा. फॉर द न्यू एंड बेबी आई एम 95 परसेंटाइल पे कॉल आएगा. दिस इज फॉर द जेम जनरल इंजीनियर मेल. ठीक है, फॉर नॉन इंजीनियर 97 परसेंटाइल फॉर द मेन आई एम्स एंड 90 परसेंटाइल फॉर द फॉर जेफ जनरल इंजीनियर फीमेल, सॉरी जेफ एंड नॉन इंजीनियर्स. ठीक है, सो दिस इज योर टेंटेटिव नंबर्स जो आपको ट्रैक करने. फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, एनी वन स्कोरिंग अबव 90 परसेंटाइल विल गेट द मेन आई एम कॉल. एनी बडी स्कोरिंग अबव 70 परसेंटाइल विल गेट एटलीस्ट अ न्यू आई एम कॉल. तीनों सेशन में स्कोर होना चाहिए उतना. ऑल द बेस्ट.